पूरा पिक्चर है भाई। एक मिनट भाई, आज आप लोग भी हो जाओ पीछे थोड़ा यार। हमें बहुत खुशी है आप लोगों के बीच में सहज घाटी में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और पहली बार आप लोगों के बीच में मुझे इस इलाके में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने जो गर्मजोशी के साथ हमारा यहां पे स्वागत किया उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। और हमारे बीच आदित्य विक्रम जी जो हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, दुष्यंत ठाकुर जी जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, वीर सिंह जी जो हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं, प्रभा पलसारा जी, पालसरा जी, श्री राम सिंह मियां जी, जय बिहारी जी, महेश शर्मा जी, तेजा सिंह ठाकुर जी, अमर सिंह जी, एम आर पालसरा जी, रोहित महाजन जी, सोनू जी और गोविंद ठाकुर जी, और यहाँ के समस्त जो हमारे इस पूरे इलाके के कई प्रधानगण, युवा साथी, एनएसयूआई के हमारे साथी, सहयोगी, युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, बहुत से पंचायत समिति के प्रधान, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के प्रधान जो यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज अभी यहाँ पे बहुत सी बातें यहाँ पे कही गई है, मैं उन बातों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि काफी समय से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपने अपने घर भी वापस दूर दूर के क्षेत्रों में, दूर दूर के इलाकों में वापस जाना है। मेरा बस यही आपसे विनम्र निवेदन है कि हमको मिलकर सकारात्मकता के साथ हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को, कुल्लू जिला के अस्तित्व को और बंजार के अस्तित्व को, जो खोया हुआ अस्तित्व है उसे वापस लेकर आना है और इस इलाके को जो यहां पे विकास में कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए अपना योगदान प्रदेश में, क्षेत्र में और इस इलाके में देने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि अभी हमारे लोकसभा के उपचुनाव चल रहे हैं और हमने पहले भी ये बात कही है, उस बात को मैं फिर आप लोगों के बीच में दोहरा रहा हूं कि ये चुनाव एक मात्र उपचुनाव नहीं है। कई लोग सोचते होंगे कि ये तो केवल जो है एक सीट को भरने के लिए है, जो सीट खाली हो गई थी मंडी संसदीय क्षेत्र की, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एक मौका जो हमको मिला है, आप लोगों को मिला है, ये खास रूप से जो आज आपकी आवाज को दबाने की कोशिश समय समय के ऊपर की जा रही है, आपने देखा महंगाई जिसके बारे में अभी यहां पे पूर्व में भी वक्ताओं ने कहा, आज चरम सीमा के ऊपर है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आप लोगों के सामने है, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आप लोगों के सामने है, और ये सरकार उस महंगाई को देखने में या इनके जो साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस महंगाई को देखने में पूरी तरीके से असमर्थ है। एक होती है बात कि सरकार बोले कि ठीक है कमियां रह गई हैं, महंगाई है, हम उसको कम करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस की सरकारों में भी महंगाई रही है, मगर सरकार ने, सरकार के जो
समय समय पर प्रदेश में या देश में मुख्य रहे, उन्होंने उस कमियों को माना और कमियों को मानकर पुनर्विचार कर आत्मचिंतन कर उनको ठीक करने का प्रयास समय समय पर किया है। मगर ये सरकार के अंदर इतना अहंकार है कि अगर आप सरकार के प्रतिनिधि तो दूर की बात है, अगर आप किसी, अभी एक साथी यहां पे कह रहे थे अंधभक्त, अभी अंधभक्त शब्द क्या है ये तो अंधभक्ति उसका जवाब दे सकते हैं, मगर उनके साथ अगर आप कभी एक सार्थक चर्चा करना चाहेंगे कहीं बैठकर किसी ढाबे में या किसी पेड़ के नीचे या किसी के घर में, किसी की शादी में, क्योंकि शादी में ऐसा होता है अक्सर रिश्तेदारियों में भाजपा के लोग भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, हमारे भी रिश्तेदारियां हैं, तो वहां पे अक्सर चर्चाएं लग जाती है और चर्चाओं में कभी कभी जो कमियां हैं उसको लोग मान भी लेते हैं, ये कमियां हमारी सरकार की है, इसको हम अपने सरकार में कहेंगे कि इसको पूरा किया जाए। मगर जो ये अंधभक्त की श्रेणी है, ये श्रेणी पता नहीं कहां से पैदा हुई, किस मानसिकता के साथ पैदा हुई, ये एक ही सीट पर चलती है, ना सुनेगी ना कहेगी ना देखेगी, जो इनको कह दिया, जो इनके ट्रांसमीटर लगा हुआ है यहाँ पे सिर के ऊपर वो मोदी जी वहां से दिल्ली से भेजते हैं, उसमें इनकमिंग ही है, आउटगोइंग नहीं है, वो जो कहेंगे वही वो भक्त जो है उसको रिपीट करता रहेगा, बोलता रहेगा बोलता रहेगा, ना सुनेगा ना समझेगा ना उनका कोई दिमाग चलेगा। जैसे अंग्रेजी में वो कहते हैं ज़ॉम्बीज होते हैं, वो केवल जो है चलते रहेंगे और जो उनको कार्य बोला है वो करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से हमको बचने की आवश्यकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक लोकतंत्र में पक्ष भी होता है और प्रतिपक्ष भी होता है, सरकार भी है विपक्ष भी है, मगर सरकार की कमियों को उजागर करना विपक्ष का दायित्व है, और अगर कोई सरकार अच्छा कार्य करती है तो उसका समर्थन करना भी जो है वो विपक्ष का हम लोगों का दायित्व बनता है। हमने समय समय पर अगर कोई अच्छा कार्य इस सरकार ने किया है उसका समर्थन करने के लिए भी हम कभी पीछे नहीं हटे। कई ऐसे मुद्दे रहे जिसपे हमने राष्ट्र हित के लिए, प्रदेश हित के लिए भाजपा का भी समर्थन किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा का समर्थन किया मगर भाजपा की सरकार का समर्थन किया, क्योंकि जब एक बड़ी सरकार बन जाती है तो वो कात्र एक पार्टी विशेष की नहीं मगर पूरे देश की या पूरे प्रदेश की सरकार होती है। मगर आज का जो ये मुद्दा महंगाई का है इससे कोई भी अछूता नहीं है, और विकास के बारे में बात करें, ये सरकार ने रोजगार के बारे में कहा कि हम रोजगार लेकर आएंगे, कितने लोगों को रोजगार मिला वो आप लोगों के सामने है, 28,000 नौकरियां मात्र, 15,00,000 बेरोजगार युवा प्रदेश के अंदर है और मात्र 28,000 नौकरियां पिछले 3 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने दी है। ये आंकड़े हैं, मैं बात हवा में करने में विश्वास नहीं रखता हूं, ये आंकड़े हैं जो विधानसभा में खुद सरकार ने समय समय के ऊपर पारित किए हैं, और ये सरकार ऋण में डूबी हुई है, 60,000 करोड़ का ऋण है इस सरकार के ऊपर, मगर तब भी ये सरकार चेयरमैन के ऊपर चेयरमैन बनाई जा रही है, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां देकर जो है उनको पूरे प्रदेश में उनका भ्रमण करवा रही है। तो ये चीजें हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आज एक सुनहरा मौका हमको मिला है कि हमको स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है, और यहां पे जो अभूतपूर्व विकास उनके समय समय पर उनकी सरकार ने करवाया है, अभी यहां से मंच के माध्यम से कहा गया कि ये एक वैसा ऐतिहासिक मंच है आपका सहज घाटी का, यहां से इस पूरे इलाके के ऐतिहासिक विकास कार्यों की घोषणाएं इस मंच से पूर्व में हुई है और वो इतिहास बनेगी, वो इतिहास बनेगी, और उन कार्यों को हमें आने वाले समय में आगे लेकर जाना है।
मिलकर आगे लेकर जाना है। अकेले कोई व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर सकता है, उसमें सब लोगों का सहयोग, सब लोगों का आशीर्वाद, सब लोगों का समर्थन और सब लोगों का प्यार होना उसमें आवश्यक है, अनिवार्य। तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर जो कथाकथित विकास इस सरकार ने यहाँ पे कहते हैं कि किया है, जो धरातल पे उतरता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को यहां से मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का जो उनको नुमाइंदा बनाया गया है, उनको यहां से भारी मतों से जिताकर जो है वो लोकसभा में भेजना है, ताकि मैं मानता हूं कि उसमें सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार भाजपा की ही रहेगी, मगर कम से कम एक ऐसी आवाज आपकी लोकसभा के अंदर जाएगी जो केवल नेताओं का, मंत्रियों का या प्रधानमंत्री जी का केवल गणेश परिक्रमा ना करते रहे। विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर सरकार किसी की भी हो, मगर एक बुलंद आवाज उस मंदिर में, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे एक बुलंद आवाज इलाके की जानी चाहिए। यही लोकतंत्र की सच्ची जीत और सच्ची जो है वो एक लोकतंत्र की जीत इसी में है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी एक पूरे के पूरे साम्राज्य को जगाने के लिए एक व्यक्ति बहुत होता है, एक व्यक्ति बहुत होता है। और मंडी संसदीय क्षेत्र आप ऐसे भी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश का एक तिहाई हिस्सा है। अगर यहां से एक बुलंद आवाज दिल्ली में जाएगी तो मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वादे उन्होंने यहाँ के लिए, हिमाचल के लिए किए, रोजगार के लिए किए, कोरोना काल में किए, समय समय पर पैकेज की बात की जाती है, डबल इंजन की बात की जाती है, आपके नेशनल हाईवे निर्माण की बात की जाती है, आज क्या हाल सड़कों के, मंडी के अंदर है, आप लोगों के सामने है। तो कम से कम अगर यहाँ से हम कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे तो एक सही पिक्चर यहाँ से जो है वो दिल्ली के अंदर जाएगी और आपको आने वाले समय में एक बुलंद आवाज जो है वो यहां से मिलेगी। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि तीन साल, साढ़े तीन साल अभी यहां से भाजपा के सांसद रहे, ये फैसला आपने लेना है कि आपको एक ऐसा सांसद चाहिए जो फिर से वहां पे जाकर भीड़ के अंदर बैठ जाए, उनकी वहां पे मेजोरिटी है, वहां पे जाकर बैठ जाए और चुपचाप जो है हर चीज पर सरकार का या प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण में लोकसभा में ताली पीटता रहे। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, या एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो यहाँ की धरातल की परिस्थितियों को विधानसभा के अंदर, मेरा मतलब है लोकसभा के अंदर, जो है मजबूती के साथ रखे और सच का समर्थन करते हुए, गलत का विरोध करते हुए यहाँ की आवाज को बुलंद करे। तो ये फैसला आप लोगों ने लेना है। मेरा आपसे यही विनम्र अंत में रहेगा कि आपने सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है और आपने जो हमारा यहाँ पे स्वागत किया बहुत गर्मजोशी के साथ, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि जिस तरीके से मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का आपके साथ एक राजनीति के साथ साथ एक भावनात्मक रिश्ता हमेशा रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा वही रिश्ता हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा आप लोगों के साथ बरकरार रहेगा। चाहे कोई अच्छे दिन हो, चाहे बुरे दिन हो, चाहे हम सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, हम हमेशा आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हर संभव प्रयास समय समय के ऊपर करते रहेंगे। मेरा आप लोगों के साथ जो प्यार है हमारे परिवार का, वो हमेशा बरकरार रहेगा, इसका मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप लोगों का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत से साथी जो मुझे जो है वो राजा कर संबोधित करते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पिताजी को जो राजा कहते थे वो केवल एक रियासत के राजा के रूप में नहीं, मगर हिमाचल प्रदेश के दिलों के राजा के रूप में कहते थे।
तो मुझे केवल उस नाम से संबोधित ना करें, मैं चाहूंगा कि आप मुझे केवल विक्रमादित्य नाम से संबोधित करें। यही मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन और प्रार्थना मेरी है। आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय, आपने शुभ संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया। मेरे आप लोगों से जो यहाँ हमारे कार्यकर्ता आए हैं, आपसे प्रार्थना है कि मंदिर में जाकर के प्रसाद ग्रहण करें।